कर्जा क्यों लिता जाता है, कर्जा कद लिता जाता है, किहड़े उपाय है जिहड़े कर्जे नूं चुकाउण दे विच थोड़ी मदद करदे आ। अज इस टॉपिक नूं थोड़ा जिहा आपां टच करांगे। सब तों पहली गल तां जन्म कुंडली दी। जन्म कुंडली दे विच 12 घर हुंदे आ। हर घर का सिग्निफिकेंस कोई ना कोई चीज़ हुंदी है। लगन पहला घर, दूजा घर, इदां करके सारे घर। सो छेवां घर जिहड़ा जन्म कुंडली का, उहनूं आपां सिद्धे सिद्धे कहिंदे आ रोग चोट दुर्घटना शत्रु ऋण। सो छेवां घर ही मेन हैगा जिहदे बारे अज आपां गल करांगे, ते कर्जा किद्दां हुंदा उहदे नाल। सो अज सानूं इही टॉपिक सुझिया तुहाडे लई, क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े आ जो हालात चल रहे लॉकडाउन दे विच, उहदे विच कर्जे लिते हुए आ, लोकां ने कर्जे चुका नहीं पा रहे, इनकम नहीं आ रही, जॉब्स चले गईआं। सो बहुत लोग जानना चाहुंदे आ कि किद्दां कर्जे साडे दूर होणगे। सो छेवां भाव जिहड़ा कर्जे तो अलावा जिदा असी दसिया रोग शत्रु स्टैप मदर पानी जानवरों तो डर, फिर मामी मौसी झगड़े मुकदमे, ये सारिया चीज़ों का सानू छेवें घर तो ही पता लगता है। जो कर्जे की गल करते हैं तो मंगल, क्योंकि इस भाव का कारक मनिया जाता है, छेवें घर का मालिक जिन्हों आप मनते हैं मंगल मनते हैं। हालांकि राशि के मुताबिक देखते हैं कि कहड़ा स्टार जिहड़ा उहदा हैगा, पर जन्म कुंडली दे विच जिस भाव दे विच भी छेवें घर का स्वामी बैठा है, उस भाव दे नाल संबंधित फलों कमी आने लग जाती है। मन लो छेवें भाव का स्वामी दूजे भाव च आके बह गया, थोड़े को धन आना बंद हो जाएगा। मन लो छेवें भाव का स्वामी अठवें जा गया, भयंकर सिर की प्रॉब्लम। छेवें भाव का स्वामी दसवें जा गया, कम कर नहीं थोड़ा चलना। छेवें भाव का स्वामी सीधा बारहवें च आ गया, मुकदमिया ही सारा पैसा थोड़ा यूज होता रहेगा। सो इस चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। सो उदों आप की करते हैं कि इन्हां चीज़ों के नाल संबंधित जिन्ने दान पूजा है, पाठ पूजा, वो करके उस छेवें घर के प्रकोप में आप शांत करने का प्रयास करते हैं, ताकि वह छेवां घर जिहड़ा आपां नूं नैगेटिविटी दे रहा, कर्जा दे रहा, उस तो मुक्ति मिले। सो दर्शको, जे जन्म कुंडली के किसी भी शुभ भाव का स्वामी छेवें जाके बह जाता है, तो उस शुभ भाव का स्वामी चंगे फल दे ही नहीं पाता। हुण चंगे फल देने के लिए आप करते हैं उसकी पाठ पूजा करते हैं, उहदे नाल शुभ फल हासिल करते हैं, तो जे वह लग्नेश हैगा तो वह आप रतन भी पा लें, और रतन पाने के भी आपको चंगे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। कहने का भाव सीधे सीधे है भी छेवें भाव का स्वामी जो माड़ा हैगा, वो दान पुन पाठ पूजा उपाय जरूर करो। जो उन्होंने बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो तीन ही रतन जोड़ा है नवरत्न के भी पा लो, तो वह भी थोड़ा रिजल्ट अच्छे मिलने के चांसिस बन सकते हैं। फिलहाल यही है कि जो भी कुंडली के कर्जे का योग मिलता है, क्योंकि ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स चेंज होंगे रहेंगे हर मोमेंट्स से, तो एक बार ट्रांजिट चैक करा के तुम उदू बाद एफर्ट्स कर सकते हो कि कहे दान पुन पाठ पूजा उपाय करिए, ताकि थोड़िया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो उम्मीद है अज का एपीसोड थानू वधिया लग्या होएगा। जे अच्छा लग्या तो दोस्तों नाल जरूर शेयर करियो, तो साडा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया नूं सबसक्राइब करना ना भुलियो। जदों भी साडे कोल आओ, एक एंटी एजिंग क्रीम, एक विशेष चंदन की धूफ, एक कोकोनट का शैंपू, तो एक साडा चमत्कारी प्लांट नवग्रह दिव्य वनस्पति दल जिहड़ा असीं आप उगाने हैं। एक 3-4 महीने की मेहनत तो बाद एडा वड्डा प्लांट बनया होया, वह थोड़े लिए बिल्कुल फ्री गिफ्ट है, तो यह लैना ना भुलियो। तो साड़ी एक विशेष धूनी होंगी है, जदों भी नज़र दोष, तंत्र दोष, वास्तु दोष हों, तो धूनी के नाल बहुत रिलीफ मिलता है, ये सानू लोग ही दसते हैं। स्क्रीन के साडे नंबर है, टाइम लैके आके मिल सकते हो या टैलीफोन एक अपॉइंटमेंट लै सकते हो। जाने तो पहला यही कहोंगे, सब तो वड्डा दर्जा माँ का, जो भी घरों जाते हो माँ के चरण छुके जाइयो, पिता जी का आशीर्वाद लैके जाइए, गुरु जी ने दसे रस्ते से चलियो, झूठ ना बोलियो, गाला ना कढ़ियो, किसी का माड़ा ना करियो, तकदीर बहुत वधिया होजूगी, धियां नूं कुखां च ना मारियो, हर घर के बाहर एक रुख जरूर लगाइयो, नशा तो परहेज करियो, तो 10 बंद कढ़ के नेकमां च खर्च करते रहियो, थोड़ी सारी लाइफ बहुत वधिया होगी। कल फिर मिलांगे एक नवे विषय के नाल। नमस्कार।